फातिया करवाना है, कुरान खानी करवाना है और अभी तक ये आए ही नहीं। अल्लाह के हुकुम से हमारे घर में जो है ना खाना भी आ गया। जाता हूँ मैं दुनिया से, मुझको न भुला देना, जब याद मेरी आए बख्शिश की दुआ देना। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। तो कैसी है मेरी यूट्यूब फैमिली, आई होप अब सब ठीक होंगे, मस्त होंगे, बढ़िया होंगे, मज़े में होंगे। तो फिर चलें आज का ब्लॉग शुरू करते हैं। और सुबह के जो है ना अभी 10:45 हो गए और बस घर में अभी फ़िलहाल तो मैं हूँ और मेरा जो नुमैर है ना वो है। और आज 13 अक्टूबर है, मतलब आज 13 अक्टूबर है, नुमैर का जो है ना फर्स्ट पेपर है ना, नुमैर का पहला पेपर स्टार्ट है। और साथ ही में जैसे कि मैंने आप लोगों को कल की वीडियो में बताया था कि 13 अक्टूबर है मतलब मेरे मरहूम अब्बा की बरसी, तो अब्बा की जो है ना वो आज बरसी है। बट आज थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रहा है कि ना आपके भाईजान जो है ना आज बॉम्बे गए। मैंने आपको कल की वीडियो में बताया था कि आपके भाईजान को फिर से बॉम्बे जाना पड़ रहा है, तो आज है ना वो सुबह में ही चले गए उठ के, मेरे को उठाया भी नहीं उन्होंने। बट वो जैसे भी आएंगे ना तो हम लोग घर में कुरान खानी करवा लेंगे, अब्बा के नाम से फातिया दे देंगे और आपके भाईजान ने बोले कि थोड़ा खाना मंगा लेंगे, हम लोग उनके नाम से तकसीम भी कर देंगे। तो देखेंगे अभी वो कभी तक आते हैं, मैं तो बहुत दुआ कर रही हूँ कि वो असर के पहले आ जाए ना, तो हम लोग मगरिब में कुरान खानी भी कर ले, मतलब असर और मगरिब के बीच में कुरान खानी हो जाए और साथ ही में जो खाना है ना वो भी तकसीम हो जाए। बट अभी अल्लाह को पता है वो कितने बजे तक आएंगे, बस देखेंगे आपके भाईजान कब तक आते हैं। आप लोग रहना साथ में और आप लोग सारे लोगों को मेरे मरहूम अब्बा के लिए दुआ करना है कि अल्लाह उनकी मगफिरत करे, अल्लाह मेरे मरहूम अब्बा को जन्नत फिरदौस में आला मुकाम दे, अल्लाह उनकी बख्शिश करे, अल्लाह उनकी गलतियों को गुनाह को बख्श दे, आमीन सुम आमीन। तो आप लोग ने मेरे अब्बा के लिए भी ज़रूर दुआ करनी है और तमाम सारे मरहूम के लिए भी ज़रूर दुआ करनी है। चलिए फिर ब्लॉग को स्टार्ट रखते हैं। नुमैर जा रहा है अपने पेपर के, इन लोग को जो है ना बाहर रखें। और देखें कोतमीर डाला है नुमैर ने, लोग का जो गोभी पत्ता है ना वो खत्म हो गया, नुमैर गया लाने के लिए गोभी पत्ता। चलो नुमैर ने लेकर आ गया गोभी पत्ता। चलो नुमैर निकल रहा है अपने कॉलेज के लिए और उसका आज है ना पहला पेपर है ना नुमैर, सब लिया पेंसिल, कैसे हो आप सब, पेन पेंसिल सब कुछ लिया, सब कुछ हाँ, बच्चों के जैसा पूछना पड़ रहा है नुमैर को मुझे कि सब कुछ तूने ले लिया क्या, हाँ तो है आपके लिए, बच्चे की तो है। बाल छोटे करा के क्या फायदा हुआ मेरा, अच्छा लग रहा है बाल छोटे करा तो, अच्छा लग रहा है, क्या फायदा हुआ, अच्छा लग रहा है, अच्छा लग रहा है ना, बाल कटाया तो बाल लंबे लंबे लगा था अच्छा नहीं लग रहा था, अभी अच्छा लग रहा है, अभी इंसान दिख रहा है तू मुझे, तो जब ही आता अभी मेरे मुंह से निकलेगा अभी कुछ भी, अब क्या था, संभाल के जा और अच्छे से लिख कर आ, गर्दी में मत चढ़। गाइस मेरे लिए दुआ करो, इसके लिए दुआ करना, इसका पहला पेपर है, पहला पेपर है मेरे बच्चे का आज कॉलेज का पहला पेपर है ना, कितना भी बड़ा हो जाए माँ बाप के लिए छोटा ही रहेगा, औलाद कितनी भी बड़ी हो जाए सही है क्या नहीं, वो अपने माँ बाप के लिए हमेशा बच्चे ही रहते। चल अभी मैं निकल रहा हूँ, चल अल्लाह हाफिज, चल ऑल द बेस्ट, हाँ मेरा नंबर लास्ट है ना, हाँ ठीक है मेरा चालू कर देना फिर तुम, हाँ मेरा आ गया तो चालू करो, मैं यही बैठी हूँ, हाँ वही ना, नहीं है वो भी कॉलेज निकल गया, वो भी जरा चले गए, हाँ हाँ ठीक है। अच्छा वाल जो है ना ये देखे वाल है, ये हमारे, तो ये आपके भाईजान ने जो है ना ऊपर से खोल के गए, नीचे से खाली खोलने का, तो नीचे जो है ना वो खालू खड़े वो खोल देंगे। पानी का वेट कर रही हूँ, बस पानी लग जाए ना मेरा, चालू हो जाए ना मेरा वाल, फिर मैं अंदर चली जाऊँगी। माही आ गई ट्यूशन से, पापा आ जाओ, पापा भी नहीं है भाई भी नहीं, अकेले आई ना क्या करेंगे, मैं पानी के लिए बैठी हूँ बाहर, नंबर ही नहीं आया अभी तक, जाओ पानी लग गया हम लोग का, पानी भर रहा है अभी,
चल आजा जल्दी से पीने की बाटली भरेंगे अपन, आजा मम्मी की हेल्प कर। पानी मैंने भर लिया है पीने का भी, और अभी टाके का पानी जो है ना वो चढ़ रहा है, और फिर हो जाएगा तो आवाज़ देंगे तो बंद हो जाएगा वो। अच्छा ये टाकी जो है ना, ये टाकी देखो हमारी भर चुकी है। अब जो है ना मैंने ये टाकी लगा दी है, अब ये टाकी भर रही है थोड़ी सी, बाकी ये भी भर जाएगी भी फटाफट, है ना। फिर माई को स्कूल के लिए रेडी करने का मेरे को, राइट। आज मम्मी कहीं नहीं जा रही छोड़ के, आज मम्मी घर में ही है। आज मम्मी घर में ही है, ठीक है। चलो अंदर चलो, हो गया पानी, चलो ये वाली दोनों भी है, चलो अंदर चलो। चलो माई का नाश्ता रेडी है, बेटी को दुआ दे के भेज रही हूँ मैं। हाँ आज मेरी अम्मा को दुआ दे के भेज रही हूँ, कल रो रही थी ना। चलो अल्लाह खुश रखे, अल्लाह कामयाब करे मेरे बच्चे को। चलो कल पहले पेपर में दुआ नहीं दी, UNDER थंडर। हाँ अच्छा ठीक है, चलो संभाल के जाओ। अल्लाह हाफिज एंड बेस्ट ऑफ लक, बेस्ट ऑफ लक, ठीक है। कितनी पप्पियाँ देती है पता नहीं, जाती ही नहीं है। बेस्ट ऑफ लक, संभाल के जाके आऊँ, बाय, अल्लाह हाफिज। बस इन लोगों को खाना देने बाहर आई हूँ मैं, इन लोगों को थोड़ा खाना देखो, ये देखें सबर नहीं इन लोगों के, मैं निकाल के दूँ। अच्छा अभी है ना पूरे 5 बज गए और आपके भाईजान का जो है ना कॉल ही नहीं लग रहा है, मतलब लग रहा है मतलब फ़ोन बज रहा है मतलब उठा नहीं रहे, और बस उनका ही वेट कर रही हूँ कि वो आ जाए, क्योंकि फातिया करवाना है, कुरान खानी करवाना है, और अभी तक ये आए नहीं है। और बस क्या बोलूँ, भी आज ही देखे ना, आज ही बॉम्बे जाना भी आज ही पड़ गया उनको, तो बस उनका ही वेट कर रही हूँ, कॉल लगा रही हूँ उठा नहीं रहे। चल अभी जाती हूँ अंदर, और अंदर जाके अंदर का रूम भी साफ सफाई करना है, थोड़ा झाड़ू वाड़ू मार के अंदर का रूम साफ करती हूँ। क्या कर रहा था, कपड़े खड़े कर रहा था, नुमेर आ गया। ए हे ये कौन आया, तेरे पप्पा आ गए रे नुमेर, तेरी जान में जान आ गई। नुमेर बाहर आया था, नुमेर माई को ट्यूशन लाने जाने का है ना, तो नुमेर इसके लिए आया था, चल लेके आ जाओ उसको ट्यूशन से, डबल ट्यूशन जाती है ना वो। अल्लाह का शुक्र है तुमको देख के जान में जाना ही मेरी। फ़ोन क्यों नहीं उठा रहे तुम, हाँ वाइब्रेट पे क्यों रखते, अच्छा वहाँ पे जाते तो वाइब्रेट पे रखते। अरे तो देखने का ना भाई, आज मैं लगा लगा के थक गई फ़ोन तुमको, हाँ कब से लगा रही हूँ फ़ोन यार। चले बाबा आपके भाईजान आए फाइनली घर पे, बड़ा टेंशन हो गया था मेरे को कि अभी तक आए नहीं, अभी तक आए नहीं है। चेहरा दिखाई नहीं दे रहा क्या, टॉर्च चालू करके देख रहे हो? नहीं दिखा, टॉर्च चालू करना पड़ा ना मुझे, मैं लेटी थी, देखो बिस्तर दिख रहा है, मैं लेट गई थी। चले अभी इनको जरा, कितने बज गए देखें, ये देखें कितने बजे, 5:30 बज रहे फज्जू, जाके फ्रेश हो जाओ, कपड़ा चेंज करो, और चाय और खाना दे देती हूँ। चलो अच्छा नुमेर माई को लेने गया था, बट माई को टीचर ने छोड़ी नहीं, आधे घंटे के बाद बोली है हाँ बाकी है उसका कुछ और पढ़ने का ना, तो मेरे बच्चे ने इतने सारे कपड़े घड़ी किया, देखो आया कि नहीं कॉलेज से, इतने सारे कपड़े ना घड़ी किया उसने। खान खानी हम लोग यही घर में, यही वाले अंदर के रूम में करेंगे, आपके भाईजान देखें खाना वाना हो गया रेडी, खाना दे दी इनको, उन्होंने चाय भी पी ली, अभी ये सब सारा कुछ अंदर के रूम में करेंगे, क्योंकि अभी जो रस्सी लगी हुई है ना सारा कुछ, हम लोग ने रस्सी बांधे थे ना जो बारिश के लिए, अभी वो सब खोल देंगे क्योंकि अभी बारिश चली गई। जल्दी आपके भाईजान ने अभी ये भी ये खोल देंगे पूरा। चले बिस्तर भी उठ रहा है, यहाँ खड़े कर देंगे क्या, यहाँ पे गद्दा, गद्दा यहाँ खड़ा कर दो। अच्छा खड़े हो गया, चलो हो गया। बस ओ व्हीलचेयर को ये बाजू रख दो ना, ये बाजू रखते ना व्हीलचेयर को, हाँ उसको इधर बाजू, हाँ यहाँ सेट कर दो। क्या निकल रहा है वो, दीवार में ना दीमक लगती है, घर में ना दीमक बहुत लगती है घरों में, दीवारों में, तो इसकी वजह से बहुत ज़्यादा मतलब दीवार में से सब कचरा गिरता है। अच्छा जी यहाँ से मैं करूँगी वॉइस ओवर, और आपके भाईजान ने जो है ना अंदर झाड़ू मार लिए थे, अभी बस पोछा मारने लगे, और आज है ना अंदर के रूम में हम लोग कुरान खानी करवाएंगे, क्योंकि इसके पहले जब कुरान खानी करवाए थे ना तो बाहर के रूम में करवाए थे, तो आपके भाईजान ने बोला कि इस बार जो है ना अपन अंदर के रूम में कुरान खानी करवाएंगे, क्योंकि अंदर के रूम में कुरान खानी नहीं हुई है, तो बस आपके भाईजान जो है ना पोछा मारने लगे थे, और बस आपके भाईजान ही अंदर के रूम का जो पोछा होता है ना वो आपके भाईजान ही मारते हैं, क्योंकि अंदर जो है ना ये कारपेट है, ये टाइल्स नहीं है, ये कारपेट बिछी हुई है, तो जिसकी वजह से पानी ज़्यादा नहीं गिरना चाहिए, तो आपके भाईजान ही मारते हैं पोछा, तो बस वही मार रहे थे, मारते मारते देखे कारना में देखे गिरे ना, यही करते हैं, इनका काम यही होता है गिर जाते हैं। मस्ती मस्ती मस्ती, इनकी मस्ती कम नहीं होती, अल्लाह बस ऐसे इनको हमेशा हंसते खेलते रखे, और बस दूसरों को हंसाते रहे, और दूसरों के चेहरे पे हमेशा मुस्कुराहट लाते रहे, जैसे वो हमेशा करते हैं ना दूसरों के चेहरे पे, उनको देख के दूसरों के चेहरे पे मुस्कुराहट आती है, बस हमेशा ऐसे ही रहे मेरे हस्बैंड, बस उनको मुझे ऐसे देख के अच्छा लगता है। बाकी यहाँ जो है ना पोछा लग गया था, और चटाई बिछा लिया था, नुमैर ने हेल्प किया पप्पा की,
बट जितना काम नुमे को देना होता ना उतना ही देते, क्योंकि कुछ अलग सा काम दे देंगे ना, नुमे एक का 10 काम बढ़ाता है। ये है मेरे बेस्ट हस्बैंड इन दी वर्ल्ड, तो बस काम बढ़ा देता है, इसलिए पोछा वही मारे। और अंदर के रूम में मैं पोछा नहीं मारती, क्योंकि रूम ज़्यादा बड़ा है, तो आपके भाईजान मुझे मना करते कि तुम पोछा मत मारा करो, क्योंकि मैं पोछा मारने लगूँ ना तो मैं पूरी गिल्ली हो जाती हूँ, तो ऐसा ही है। आपके भाईजान ही खास ज़्यादा करके अंदर के रूम में पोछा वगैरह वही मारते हैं। झाड़ू जो है ना नुमैर मारता है रोज़, ये देखे थक चुके। और वाकई में यार थकना तो है, क्योंकि सुबह से उठ के वो बॉम्बे गए थे और काफ़ी थकान से वो जब भी आते ना बहुत थक जाते, फिर भी अल्लाह ने उनको इतनी हिम्मत दिया है कि वो जो काम हमारा होना होता है ना घर का वो करके ही आराम करते हैं। तो बस यहाँ से जो है ना वो निकल गए थे घर से नान कटाई लेने के लिए, तो जो फातिह के लिए नान कटाई लेना था ना वो लेने के लिए निकले थे, और डबल वाली नान कटाई मैंने उनको बोला था कि डबल वाली लेके आने के लिए। तो वहाँ से वहाँ फिर वो गए थे बल्ब लेने के लिए, बल्ब क्योंकि ना बल्ब ख़राब हो गया था एक, तो बल्ब भी लाना था, तो उन्होंने एक बल्ब भी वहाँ से ले लिया और ये जो शूट है ना वो उन्होंने लेकर आया। और वो बोल रहे थे कि अब मैं पूरी कोशिश करूँगा मदीना के मैं भी शूट ले सकूँ और शूट लेके तुमको ला के दे सकूँ, तो बस अल्लाह ऐसी हिम्मत दे उनको और बस हमेशा मेरा साथ बनाए रखे, क्योंकि बस वही मेरी हिम्मत है, उनको देख के मुझे हिम्मत आती है। और आज मैं जो भी हूँ ना मेरे हस्बैंड मुझे हिम्मत देते हैं कि वो है मेरे साथ, बस तुम करो इंशाल्लाह मैं भी कोशिश करूँगा तुम्हारे साथ में कि तुमको कहीं अकेला ना छोड़ सकूँ। तो बस यहाँ पर जो है ना बल्ब लेके वो घर पर आ गए थे, क्योंकि अभी जो है ना सारा कुछ अभी मगरिब होने वाली थी और बस जैसे मगरिब का टाइम हो गया तो घर में उजाला होना चाहिए, तो बल्ब ख़राब हो गया था। तो बस ये देखिए माशाल्लाह तो यहाँ पे देखिए बिस्मिल्लाह बोल दिए इन्होंने, बल्ब चालू कर दिए और बस अभी जो है ना मगरिब का टाइम होने लगा है, तो बस यहाँ पे जो है ना अगरबत्ती भी जल गई हमारे घर में। और बस अल्हम्दुलिल्लाह बस मगरिब का टाइम होने लगा था और अभी कुछ बज रहे थे 6:15, मतलब अज़ान जो है ना वो 6:30 बजे होगी, और खाना आ गया था। तो मैंने आपके भाईजान ने जो ऑर्डर दिया था ना खाने का, तो उन्होंने बोल दिया था कि ना अज़ान के पहले पहुंचा देना, तो बस खाना भी आ चुका था और हम लोग ने जो है ना दालचे का ऑर्डर दिए थे, तो बस ये खाना भी अल्हम्दुलिल्लाह जज़ाकअल्लाह अल्लाह के करम से अल्लाह के हुकुम से हमारे घर में जो है ना खाना भी आ गया। अच्छा जी यहाँ पे जो है ना खाना तो आ गया, मैंने जो है ना चाय रेडी करने के लिए गैस पे रख दी कि चाय रेडी कर दूँ, क्योंकि हम लोग ने जो है ना मौलाना को बुलाए हैं घर में फातिहा करवाने के लिए और कुरान खानी करवाने के लिए, तो जैसे वो आते हैं ना तो उनके लिए जो है ना चाय भी मैं बना के रख दे रही हूँ। और यहाँ पे जो है ना आपके भाईजान लोबान जला रहे थे, मगरिब का टाइम होने लगा था, तो जैसे अजान होएगी ना लोबान भी हो जाएगा घर और बस हजरत आके कुरान खानी कर देंगे। और यहाँ पे जो है ना आपके भाईजान ने ना खोपरे की नारोटी जलाए थे, हम लोग जो है ना खोपरे का जो नारोटी होती है ना खोपरे के पीछे का हिस्सा वो हम लोग जला के हमेशा लोबान देते, कोयला नहीं जलाते। आप लोग अपने घर में कैसे लोबान देते हो ज़रूर मुझे बताना कमेंट करके। तो हम लोग ऐसे ही नारोटी जला के लोबान देते, तो आपके भाईजान ने जो है ना घर में लोबान भी दे दिए ताकि मगरिब के टाइम जैसे अजान हो जाए ना तो घर में अल्हम्दुलिल्लाह लोबान भी हो जाए। अच्छा जी लोबान हो गया और लोबान के बाद में जो नमाज़ के बाद ना मगरिब की नमाज़ के बाद में जो ना हज़रत आ गए थे, मैंने ना उनको सुबह ही कॉल करके बोल दिया था कि ना आप मगरिब की नमाज़ पढ़ के फिर फ़ौरन घर पे आ जाए और घर में कुरान खानी करना है, तो बस वो लोग बराबर टाइमिंग पे आ जाते हैं, मतलब उनको सिर्फ कॉल करेंगे ना तो वो बराबर एक दिन पहले कर दो या फिर मॉर्निंग में कर दो तो वो आ ही जाते हैं बराबर टाइमिंग पे। और बस जैसे वो आए तो उनके लिए नाश्ते का इंतज़ाम किया हम लोगों ने, क्योंकि वो सब जगह पढ़ते रहते हैं ना दिन भर, वो लोग 6 मौलाना है जो इनका ग्रुप होता है जो ये हर जगह जाके मतलब कुरान खानी दिन भर कराते रहते, तो हमारा फ़र्ज़ बनता है कि सबसे पहले उनको नाश्ता करा दे उसके बाद में फिर वो पढ़ाई शुरू करेंगे, तो उनका नाश्ता हम लोग ने करवा दिया। और बस यहाँ पे मालवनी में आने के बाद में जो है ना एक चीज़ का सुकून हुआ कि ना ये हज़रत हमको मिल गए। और माशाल्लाह जब भी मैं इनको कॉल करती हूँ, मेरे घर में कुरान खानी होती है ना तो मैं इनको कॉल करती हूँ तो वो फ़ौरन घर पर आ जाते फातिहा करने के लिए या कुरान खानी करने के लिए, जब भी मुझे ज़रूरत पड़ती है फातिहा के लिए या कुरान खानी के लिए बस मैं उनको कॉल कर देती हूँ और वो आ जाते। और जोगेश्वरी में थी ना वहाँ पे भी ऐसे ही था, हमारे एक जनाब जी थे जो आपके भाईजान जिनके पास में ना कुरान शरीफ पढ़े थे, तो वहाँ पे ना वो आ जाया करते थे, उनको वहाँ कॉल करती थी, लेकिन जब से मलाड मालवनी में आई हूँ
तो तब से ये हज़रत को कॉल करती हूँ, और वो जैसे मैंने कॉल कर दिया ना तो बस वैसे वो आ जाते हैं। तो मैंने उनको सुबह में कॉल कर दिया था, तो बस बराबर वो अपने टाइमिंग पे नमाज़ पढ़ के फ़ौरन वो मेरे घर पे पहुँच गए थे कुरान खानी करवाने के लिए। जब याद मेरी आए बख्शिश की दुआ देना। और शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह घर में कुरान खानी हो गई, और हमने जो है ना हमारे मरहूम अब्बा की तरफ कलाम पाक की जो तिलावत है ना उसका इसाले सवाब हज़रत के ज़रिए उन तक पहुंचा दिया। और बाकी जाते जाते जो है ना हज़रत से मैंने एक सवाल पूछा जो कुछ टाइम पहले मेरे तक के आया हुआ था, तो मैंने सोचा कि मैं क्यों ना उनको ये सवाल ज़रूर पूछूँ, हालाँकि मुझे इसका जवाब मुझे पता है, फिर भी मैंने एक उनके तरफ भी एक बात रखी तो उन्होंने बहुत तकसीम से वो बात को मुझे समझाया और कहा कि, और वो जो सवाल था ना वो मैं आप लोगों के सामने भी ज़रूर रखूँगी, और मैं चाहती हूँ कि ना इसका जवाब जो है ना आप लोग मुझे, जितने लोग आज मेरे साथ में जुड़े हैं 7000 प्लस लोग, मैं चाहती हूँ ना आप लोग में से ना मुझे कुछ लोग तो मुझे इस सवाल का जवाब ज़रूर दे के, जैसे कि मैंने टाइटल में लिखा कि है ना महरूम के लिए जो है ना इसाले सवाब जो है बेटियां नहीं कर सकती, सिर्फ बेटे का ही इसाले सवाब पहुंचता है, जो बेटे करते हैं ना वही पहुंचता है, बेटियों का नहीं पहुंचता है। तो इसका जवाब आप लोग मुझे ज़रूर देना है। और जो हज़रत ने मुझे जवाब दिए उन्होंने ये मुझे बोला कि सवाब कोई भी पहुँचा सकता है, बेटा और बेटी नहीं, क्योंकि जब सवाब पहुँचता है उस सवाब पर लिखा नहीं जाता कि ये बेटी का पहुँच रहा है या बेटे का पहुँच रहा है, सवाब महरूम को कोई भी पहुंचा सकता है। तो ये हज़रत का जवाब था, और आप लोग भी मुझे इसका जवाब ज़रूर देना है। और साथ ही में मैं जो सोचती हूँ ना मैं भी यही सोचती हूँ कि सवाब बिल्कुल सवाब पे नहीं लिखा जाता है कि बेटे का है या बेटी का है। तो मैं आप उन लोगों से ये पूछूंगी जिन लोगों के दिमागों में ये बातें चलती है कि जिन महरूम के पास में अल्लाह ने अगर बेटा नहीं दिया है और अल्लाह ने उनको बेटियां ही सिर्फ दिए, तो क्या बेटियां उनके इसाले सवाब के लिए कुछ नहीं कर सकती है? और उन लोगों के लिए भी पूछूंगी कि जिनको अल्लाह ने औलाद ही नहीं दिया है, तो क्या उनके लिए इसाले सवाब का कोई ज़रिया नहीं है क्योंकि औलाद ही नहीं है? तो ये जो सोच है ना मैं चाहती हूँ कि ना लोग बदले अपनी सोच, ठीक है ना। मैंने तो आज तक यही देखा है कि बच्चे जो होते हैं ना अपने माँ बाप से सिर्फ जायदाद के लिए लड़ते हैं कि
खास करके जो बेटे बेटे जो होते हैं ना, वो कहते हैं कि हमको ज़्यादा चाहिए क्योंकि हम बेटे हैं, बेटियों को कम देना चाहिए। लेकिन आज तो मुझे ये सोच भी दिखाई दे रही है कि इस साले सवाब के लिए भी लड़ रहे हैं कि बेटों का पहुँचता है बेटियों का नहीं पहुँचता। तो मैं ये सब चीज़ों को बिल्कुल मानती नहीं हूँ। और ये सब बातें जब मेरे तक के आई ना, तो सबसे पहले तो मुझे हंसी आने लगी कि सवाब के लिए भी बेटा बेटी किया जा रहा है, सवाब के लिए भी। तो मैं ये चीज़ों को नहीं मानती। अगर मैं ये चीज़ों को मानती तो बिल्कुल मैं अपने अब्बा के लिए कुछ ना करती। बट अल्हम्दुलिल्लाह मेरे अब्बा जाके 5 साल हो गए और जितना हो सके हमने किया है। और ये मैं नहीं करती, ये मेरे हस्बैंड करते, ठीक है ना। मेरे हस्बैंड हर साल जो हमारे घर में बरसी होती है, जितनी भी अल्लाह ने हमको नवाजा है उस वो हिसाब से हम लोग जब हमारे घर में बरसी करते मेरे अब्बा की, तो मेरे मैं नहीं करती, मेरे हस्बैंड करते। और मेरे हस्बैंड जो है ना मेरे अब्बा के दामाद नहीं थे, वो मेरे अब्बा के बेटे थे, तो उनके बेटे करते। लेकिन जिस दिन उनकी बेटी को अल्लाह ने नवाजना है ना, तो उस दिन मैं भी उनका बेटा ही बनके करूँगी। और मेरे ससुर जी भी इसी साल गए हैं, तो इंशाल्लाह बड़ी बहू का भी जो हक होता है ना, वो भी मैं पूरा अदा करूँगी। बाकी जाते जाते आप लोगों से फिर से एक बार रिक्वेस्ट करूँगी कि तमाम महरूम के लिए, मेरे अब्बा के लिए, मेरी नानी के लिए, तमाम महरूम के लिए अल्लाह उनकी बख्शिश कर दे, अल्लाह उनकी मगफिरत करे, अल्लाह उनको जन्नत फिरदौस में आला मुकाम दे। बाकी मुझे भी दुआओं में याद रखना। अपना रखिए बहुत सारा ख्याल। मिलूंगी आपको एक नेक्स्ट वीडियो में। जब तक कि दुआओं में ज़रूर याद रखिए। अल्लाह हाफिज़। जाता हूँ मैं दुनिया से, मुझको न भुला देना जब याद मेरी आए, बख्शिश की दुआ देना। सबको ये बता देना जब जो याद मेरी आए, बख्शिश की दुआ देना।